मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज़। बात प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री महबूब अली की। प्रदेश के काबीना मंत्री महबूब अली ने एके इंटर कॉलेज में राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा फहराते हुए देश के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। शिक्षा मंत्री ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए अपने हाई स्कूल के जमाने की यादें ताज़ा करते हुए मौजूद छात्रों से दिल लगाकर पढ़कर कॉलेज और देश का नाम रोशन करने की बात कही। माध्यमिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाते पाक, स्पीच आदि कार्यक्रम बेहतर प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को 500-500 रुपए का इनाम अपनी जेब खास से देकर बच्चों की हौसला अफजाई भी की। एके इंटर कॉलेज पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री महबूब अली का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कॉलेज के प्रबंधक हाजी मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, समाजसेवी हाजी नासिर सिद्दीकी, शाकिर सिद्दीकी, प्रधानाचार्य आदिल अब्बासी, सरताज आलम सिद्दीकी व शिक्षकों ने मंत्री महबूब अली, युवा नेता परवेज अली का फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। यौम आजादी के मौके पर रिटायर हुए शिक्षकों मास्टर हाजी जलील अंसारी, तौसीफ हसन नकवी, नासिर हुसैन सहित दर्जन भर से ज्यादा रिटायर टीचर्स को मंत्री महबूब अली ने शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त, प्रधानाचार्य खुर्शीद हैदर जैदी, रऊफ अहमद, डॉक्टर जमशेद कमाल, जफर अब्बासी, महबूब हुसैन जैदी, हाजी अंजुम अंसारी, पूर्व सभासद इकरार अंसारी, फहीम शाहनवाज, नसीम खां, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर जफर महमूद अब्बासी, फैसल जफर, इकबाल खां सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन असलम उस्मानी ने किया। हर शिक्षा के क्षेत्र में महबूब के निगाह का सदेश हर प्रांगण में पढ़ा जा रहा है प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के सामने। नासिर सिद्दीकी साहब ने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, लेकिन ये बात सही है कि आज के दिन ऐसे दिन के बाद जैसा कि लगता है हिंदुस्तान में किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे सामने कोई त्योहार क्यों ना हो, लेकिन आजादी का दिन, आज का दिन 15 अगस्त हर खुशी से बड़ी खुशी हिंदुस्तानियों के लिए, देशवासियों के लिए है, जिन्होंने ऐसे वक्त में उन साथियों को जो आज भी हयात है, जो हमारे बुजुर्ग आदमी जिंदा है और उस खुले आसमान के नीचे पूरे हिंदुस्तान वासियों को सांस लेने का जज्बा, दिलाने का जज्बा उनके खून में है। आज भी बहुत से लोग यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, हम उन्हें बधाई देते हैं। जो लोग फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते गोलियां खाई, आज ऐसे लोगों को तुम्हें हमें याद करना चाहिए।